सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर निबंध लिखेंगे। तो आइए देखें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक समाज सुधारक, न्याय अर्थशास्त्री और राजनीतिक थे। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई सकपाल था। अंबेडकर जी ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की थी। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के निर्माता और भारत गणराज्य के संस्थापक थे। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वह पहले कानून मंत्री और न्याय मंत्री बने थे। भीमराव अंबेडकर जीवन भर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष करे थे। सन 1956 में भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रधानमंत्री द्वारा इन्हें 1951 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी का निधन हुआ था।